फिर से स्वागत है आपका। अभी हमने देखा विदेशों में क्रांतिकारियों का संगठन, अब उनके साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन। और द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन जब हम लोग देखते हैं तो द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन असहयोग आंदोलन की असफलता एवं 1917 की रूसी क्रांति के कारण प्रारंभ हुआ। हालांकि जब हम लोग तृतीय में असहयोग आंदोलन देखेंगे, जब हमारे गांधी जी की भूमिका होती है तो उस समय हमारा इसमें डिटेल होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा कि ये कि द्वितीय हमारा जो है क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम सीमा पे पहुंची, तब पहुंची जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा था और उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। और असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ उनके परिणाम स्वरूप साथ ही साथ रूसी क्रांति जो समाजवादियों की एक देन थी, समाजवादियों की देन थी, उनके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुआ। इनमें हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य क्या था, औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना, औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना, ठीक है। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इनके सदस्यों ने एक सभा करके समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया। किनको लक्ष्य बनाया, समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया, और संगठन का नाम बदल करके, यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल करके अब हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। और इन्हीं में दो व्यक्ति थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जो आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब देखते हैं काकोरी षड्यंत्र जो 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से आने वाली डाउन ट्रेन थी, है ना, जो काकोरी स्टेशन के पास इस ट्रेन को रोक करके इनसे सरकारी खजाना लूटा गया, इनसे सरकारी खजाना लूटा गया, और सरकारी खजाना लूटा गया, और इन्हें ही जब इन अभिव्यक्तों पर मुकदमा चलाया गया तो इन्हें काकोरी षड्यंत्र नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, काकोरी षड्यंत्र, ठीक है। और इस में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे इनके बचाव पक्ष में आए थे चंद्रभान गुप्त, इनके बचाव पक्ष में आए थे चंद्रभान गुप्त ने पैरवी की थी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। बाद में अंग्रेज सरकार नहीं माने और इन चार क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। इनमें थे राम प्रसाद बिश्मिल, जहां इन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी, दूसरे अशफाकुल्ला, जहां इन्हें फैजाबाद में सजा दी गई थी, अशफाकुल्ला फैजाबाद में, रोशन सिंह इलाहाबाद, और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में। ये चार व्यक्ति जो काकोरी षड्यंत्र कांड में अभियुक्त बने और इन चारों को फांसी की सजा दी गई थी। आपसे यह भी प्रश्न पूछता है कि काकोरी षड्यंत्र कांड में किन व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, किन व्यक्ति को नहीं दी गई, तो ये राज प्रसाद बिश्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी, ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भगत सिंह जो वहां जुड़े हुए थे आपको हिंदुस्तान HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, उन्होंने एक और एक नौजवान भारत सभा स्थापना की 1926 में। भगत सिंह और छविलाल दास और यशपाल ने लाहौर में, कहां, लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसके अध्यक्ष रामकिशन बने थे, महामंत्री भगत सिंह बने थे और प्रचार मंत्री जो है भगवती चरण बोहरा बने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
यही भगवती चरण बोहरा जो जो प्रचार मंत्री बने थे उन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी बम का दर्शन, बम का दर्शन पुस्तिका लिखी थी, और बाद में इन्हीं बम की दुर्घटना में इनकी मृत्यु भी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए यहां तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं। चलिए नौजवान भारत सभा कब, 1926 में, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन लाहौर में नौजवान भारत सभा, और यही एचआरए का नाम 1928 में क्या हो जाता है, एचएसआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। चलिए क्योंकि उसमें समाजवाद एक लक्ष्य जुड़ जाता है। काकोरी षड्यंत्र कांड तो आप देख ही लिए, सॉन्डर्स हत्याकांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन। अब देखिए जब रॉलेट एक्ट आया था, संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं, इसकी डिटेल चर्चा पीछे चलेगी, आगे चलेगी सॉरी, गांधी जी का जब हम लोग देखेंगे, जब रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, जब 1919 का चार्टर एक्ट आया था तो उन्हें बोला गया कि 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद जो है इसके जांच पड़ताल के लिए एक कमीशन आयोजित होगी, ठीक है, और उसी कमीशन मतलब 10 साल बाद, वो समय से पहले आ गए थे, साइमन कमीशन 1927 में ही आ गए थे, तो जिनका लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, और लाला लाजपत राय जब विरोध किए थे तो उसी विरोध क्रम में जो है उन पे लाठी चार्ज हुई थी, और लाठी चार्ज के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, और लाला लाजपत राय ने उसी सब में कहा था मेरे ऊपर किया गया प्रहार एक कील की तरह आप लोगों के साथ जो है बदला लिया जाएगा, कील की तरह कसौटी की जाएगी, ठीक है, और बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, नाम याद रखेंगे, बदला लेने के उद्देश्य से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल ने एस्कॉर्ट को मारने का निश्चय किया। किन्हें मारने का निश्चय किया, एस्कॉर्ट, है ना, परंतु गोली जो है सॉन्डर्स, परंतु गोली जो है किनको लग गया, सॉन्डर्स एवं उस समय रीडर थे, पढ़ने वाले थे, चंदन सिंह को लग गई, है ना, और दोनों की ही मृत्यु हो गई। मारने का उद्देश्य था एस्कॉर्ट को, है ना, और इनमें कौन कौन जुड़े हुए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल, और गलती से जो है यह बम किस पे लग गया, सॉन्डर्स और रीडर को गोली लगी। बाद में जयगोपाल, यही जयगोपाल जो है गद्दारी की, और पुलिस ने इसे सरकारी गवाह बना लिया, और इन चारों को मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव पे जो है इन पर जो है क्या चला दिया, अभियुक्त मुद्दा बना दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी समय एक और घटना घटती है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये भगत सिंह है ना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, है ना, बम फेंका, और हालांकि ये बम फेंकने के पीछे उद्देश्य था कि केंद्रीय विधानसभा इन्हें नामंजूर कर दिया था, ठीक है, और नामंजूर करने के बावजूद इस विधेयक को पास कर दिया गया, और इसी उद्देश्य से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है यहां विधानसभा में बम फेंक दिए, और बम फेंक दिए तो इनका उद्देश्य, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनसे पूछा गया कि क्यों फेंके, तो इनका कहना था मैं बहरों को कुछ सुनाना चाहता हूं। फलस्वरूप इनकी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी होने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर की गिरफ्तारी एवं आजीवन कारावास होता है। लेकिन इन सब के बावजूद 23 मार्च 1931 को ये भगत सिंह, राजगुरु जो सॉन्डर्स हत्याकांड में जुड़े हुए थे, है ना, राजगुरु और सुखदेव, है ना, इन्हें जो है फांसी की सजा दी गई, और गांधी जी में हम बताएंगे कि ये ताला जा सकता था कि नहीं ताला जा सकता था। चलिए, इन्हें फांसी की सजा दी गई,
और जो एक अभियुक्त बच गए चंद्रशेखर आजाद, ये 27 फरवरी को 1931 को ही चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस के गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से इन्होंने सोचा कि मैं स्वयं शहीद हो जाऊं, और स्वयं इन्होंने अपने आप को गोली मार दी। इस तरीके से जो एचआरए से जो भी व्यक्ति जुड़े हुए थे उन सभी की कमोबेश रूप से 1931 तक सभी की जो है या तो फांसी के रूप में या तो आजीवन कारावास के रूप में घटनाएं हो जाती है। ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट और है, चटगांव रिपब्लिक आर्मी। ठीक है, इनके संस्थापक सूर्य सेन थे और जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी प्रसिद्धि मिली थी। 1930 में चटगांव शस्त्रागार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चटगांव शस्त्रागार हुआ और उन पे हमला किया। किनके नेतृत्व में? गणेश घोष के नेतृत्व में, और गणेश घोष के नेतृत्व में हुआ। और ये पुलिस से बचने के उद्देश्य से इन्होंने पोटासियम साइनाइड खा करके आत्महत्या कर ली। फलस्वरूप 1933 को सूर्य सेन की गिरफ्तारी होती है और 1934 में इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद एक संक्षिप्त चर्चा ये है कि एक जतीन दास व्यक्ति थे जो एचएसआरआई से ही जुड़े थे। जतीन दास पर जो है लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है, ये नौजवान भारत सभा से लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है। और राजनीतिक जतीन दास जो है एक्चुअली में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करना चाहते थे, और इसी राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने भूख हड़ताल जारी कर दी थी और लगभग 64 दिन इन्होंने भूख हड़ताल की, और भूख से यह 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी एक जतीन दास इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। उनके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कमोबेश रूप से क्रांतिकारी आंदोलन जो एचआरए का था वो चलता गया और 1931-32 तक समाप्त हो जाती है। लेकिन इनके बाद भी क्रांतिकारियों का जो गतिविधि था वो रुकने वाला नहीं था। एक और घटना होती है 1939 में, सुभाष चंद्र बोस भी जो है क्रांतिकारी में ही नाम आते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सिंगापुर में, और वहीं से इंडियन नेशनल आर्मी है ना INA की स्थापना करते हैं जहां सिंगापुर में। तो उनका हम लोग एक विशेष अभियान चलाएंगे, लेकिन एक संक्षिप्त चर्चा हम यहां पे आपको बताती है। और एक बात तो और कि एक जालियांवाला कांड हुआ था 1919 में, और जालियांवाला कांड में जनरल डायर जो है आंखों मतलब भरी सभा में गोली चला दिए थे, और इन चीज को देखा था उधम सिंह। इन्होंने देखा था उधम सिंह ने, और उधम सिंह ने यह बोला कि मैं लंदन में जा करके इनसे बदला लूंगा। और परिणाम स्वरूप 1940 में ये लंदन के जो है कैप्स्टन हॉल में जाकर के भरी सभा में माइकल ओ डायर है ना जनरल डायर की हत्या कर देते हैं। कौन? उधम सिंह। तो इस तरीके से क्रांतिकारी की गतिविधियां कमोबेश रूप से 1947 तक चलती रहती है। और यहां तक कि जब हम देखते हैं तो भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन, स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, और यह चिंतन अंतिम क्षण तक चलती रहेगी, तब तक जब तक मुझे स्वराज नहीं मिल जाता है। फिर 1932 में बीना दास द्वारा जो है एक दीक्षांत समारोह में, 1932 में बीना दास एक बड़ी दीक्षांत सभा में जो है जिलाधिकारी को गोली मार करके हत्या कर देती हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये भी 1932 में बीना दास द्वारा जिला अधिकारी की हत्या
दीक्षांत समारोह चल रहा था और उन्हीं बड़ी सभा में जो है गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण भी एक कमोबेश रूप से उस मुकाम तक पहुंचती है जहां पर उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि हमें स्वराज चाहिए। भले रास्ता अलग था, तरीका अलग था, लेकिन उद्देश्य यही था कि हमें आजादी चाहिए। और इसी आजादी के उद्देश्य से इन्होंने अपना अपना संगठन स्थापित किया। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं, HRA 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में, और 1928 में बाद में इसी का नाम हो गया HSRA, काकोरी षड्यंत्रकरण 1925, जिसमें ये चार अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल है ना, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी को फांसी की सजा दी जाती है। नौजवान भारत सभा 1926 लाहौर में गठित होती है, इसके अध्यक्ष रामकिशन, महामंत्री भगत सिंह, प्रचार मंत्री भगवती चरण बोहरा, और भगवती चरण बोहरा का ही बम का दर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे है ना, अपनी पुस्तक लिखी थी शॉन्डर्स हत्याकांड 1928 साइमन कमीशन के विरोध में, इस पे हमारी एक विशेष ही चर्चा होगी है ना। विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस से घायल हुए, अंततः इनकी मृत्यु हो गई, और बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल ने एस्कॉर्ट को मारने का निश्चय किया, लेकिन गलती से जो है यह जो है किनको लग गया, सॉन्डर्स और चंदन सिंह को लग गया। बाद में जयगोपाल ने गद्दारी की और पुलिस का ये सरकारी गवाह बन गया और इन सभी को अभियुक्त बना लिया गया। फिर एक केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर ने एक लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में बम फेंका, और बम जो है उनका उद्देश्य था बहरों को मैं कुछ सुनाना चाहता हूं, और इसी उद्देश्य से जो है इन्हें फेंका और इनकी गिरफ्तारी होती है और इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन इनके बावजूद अंग्रेजों द्वारा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी की सजा दी जाती है। लाहौर और एक जो अभियुक्त बच जाते हैं चंद्रशेखर आजाद, ये अल्फ्रेड पार्क में जो है स्वयं को गोली मार लेते हैं। एक जतीन दास थे तो उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फंसा करके है ना, इसे जो है दूसरे तरीके का बंदी बना लिया गया था, तो ये राजनीतिक बंदी बनना चाहते थे, और इनके बावजूद जब नहीं माने तो इन्होंने भूख हड़ताल की और लंबे दिनों तक भूख हड़ताल की, 64 दिनों तक, और परिणाम तो 1929 को इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर चटगांव रिपब्लिक एसोसिएशन, इनके संस्थापक सूर्य सेन जो मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध, इनके समय में चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ जो गणेश घोष के नेतृत्व में हुआ, और इन्होंने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए पोटासियम साइनाइड खाकर के आत्महत्या कर लिया। परिणाम स्वरूप 1933 को सूर्य सेन की गिरफ्तारी होती है और 1934 में इन्हें भी फांसी की सजा दे दी जाती है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ने के बाद यह क्रांतिकारी का प्रमुख क्षेत्र सिंगापुर में जाकर के एस्टेब्लिश करते हैं, और यहीं पर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद एक भारतीय क्रांतिकारी में थे उधम सिंह, और ये तो लंदन में जाकर के डायर की हत्या करते हैं है ना, जो जालियांवाला बाग का जो है ये पूरी आंखों देखी घटना देखे थे उधम सिंह, और जाकर के इन्होंने वहां जाकर के बदला लिया था। वहीं एक औरत बिना दास जो है भरी सभा में एक दीक्षांत समारोह में जो है जिला जज पे गोली मार करके हत्या कर देती है। तो ये क्रांतिकारी रुकने वाले नहीं थे जब तक इन्हें स्वराज नहीं मिल जाती। इस तरीके से हम लोग क्रांतिकारियों का प्रथम चरण, क्रांतिकारियों का विदेशों में संगठन, और क्रांतिकारी का दूसरा चरण हम लोगों ने देखा, और ये एक जगह इकट्ठा है, और आप से हम उम्मीद करते हैं इस चीज को एक राइट डाउन करें, और राइट डाउन करने के बाद एक बार आप लोग इसे लिख भी ले, आत्मसात कर ले, और हम वादा करते हैं ये आपके साथ सदा के लिए आत्मसात हो जाएगा। और उम्मीद के साथ फिर आगे कल हम लोग जो देखेंगे फिर से, अब इंटर हम लोग करेंगे कांग्रेस का तीसरा चरण अर्थात गांधी युग। धन्यवाद।